अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल की मज़ीद आगे सेटिंग करेंगे, उसको कंप्लीट क्रिएट साइन अप करने के बाद किस तरह से उसकी सेटिंग्स होती हैं और किस तरह से वो आप सारी सेटिंग्स जो हैं वो करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें हम करेंगे। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक बेसिक सा ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। जैसे ही सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो हमें तमाम सेटिंग्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी जो कि हमें करनी है। सेटिंग्स के से पहले हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आपने यहाँ पे एक जो है वो क्वेश्चन सेट कर लेना है। अगर आप कभी फ्यूचर के अंदर अपना पासवर्ड भूल गए तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये बता के आप अपने प्रोफाइल दोबारा से अनलॉक कर सकते हैं। तो चले चलते हैं इसको सेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज फेवरेट एक्टर मैं अपना ही लिख देता हूँ। नो इट्स क्वाइट फनी बट इट इज ओके। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सेटिंग है वो कर ली है और उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन आ चुके हैं। देखें यहाँ पे राइट साइड पे कुछ सेटिंग्स हैं और कुछ लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स हैं, मतलब ये ऑप्शंस हैं और इनकी सेटिंग्स जो हैं वो इस साइड पे हमें नज़र आएंगी। तो चलिए वन बाय वन इन सारी सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट सेटअप है। इसका कंप्लीट आगे चल के मॉड्यूल है जिसके अंदर हम कंप्लीट सेटअप करेंगे किस तरह से हम यहाँ पे बिलिंग वगैरह हमें कोई पे करना है, कोई कनेक्ट्स वगैरह बाय करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे किस तरह से अटैच करेंगे वो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ मेंबर्स एंड कनेक्ट्स है, इसका भी कंप्लीट आगे मॉड्यूल है, कंप्लीट लेक्चर है। उसके अबाउट मैं तमाम चीज़ें इसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि मेंबरशिप्स क्या हैं और किस तरह से उनका जो है वर्किंग मैकेनिज्म है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे आप अपनी जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एडिट करके अगर आपने अपने नाम वगैरह चेंज करना है, ईमेल वगैरह चेंज करनी है, तो आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं यहाँ से इन सारी चीज़ों को। उसके बाद अपना अकाउंट अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपल क्लोज माई अकाउंट, जो कि हमें ऐसा नहीं करना, इस ऑप्शन से दूर रहना है हमें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एडिशनल अकाउंट्स, क्लाइंट अकाउंट्स, एजेंसी अकाउंट। अब इसी अपवर्क के अंदर ही आप अपना क्लाइंट अकाउंट भी बना सकते हैं और एजेंसी अकाउंट भी बना सकते हैं। क्लाइंट अकाउंट से क्या मुराद, मिसाल के तौर पर आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं लेकिन आपके पास एक काम आ गया है या आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक अलहदा से बायर प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ेगी अपवर्क के ऊपर, बल्कि यहीं से आप अपना जो है वो क्लाइंट अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास है टाइम जोन। यहाँ पे देखें यूटीसी, ये आपने बिल्कुल सेट कर लेना है। अब यहाँ पे लेट्स से हमारा जो टाइम जोन है यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए इस्लामाबाद या कराची। ये यहाँ पे हमारे पास इस्लामाबाद कराची है, ये आपने ज़रूर सेट कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग आपको जॉब्स नज़र आएंगी। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी अपने एड्रेस वगैरह अगर एडिट करना है, सारी चीज़ें सेटअप करनी है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से ऐड करके अपडेट कर लेनी है। ओके, तो ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की सेटिंग हो गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन है टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे जो है हमें क्या करना पड़ता है, इसको आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है और हमारे पास ये दूसरा जो फॉर्म है इसको हमने फिल करके सेटअप करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, सिंपल इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ यूएस पर्सन और उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमने अपना नेम लिख देना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे सेट करके सेव कर दूंगा। ये हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुकी हैं और यहाँ पे इनको आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपना जो है कंट्री पाकिस्तान सेट करके और यहाँ पे जस्ट अपना एड्रेस वगैरह डाल देना और सेव कर देना और ये फॉर्म इस तरह से फिल करके जस्ट आपने सेटअप कर देना और आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट हो चुकी है। इसमें आपको कोई टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है या FBR ये इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, जस्ट आपने ये सबमिट करवा देनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है माई प्रोफाइल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो कि हमें सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक डिटेल है, मैंने साइड बाय साइड एक अपनी प्रोफाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे बेसिकली जस्ट आपको दिखाने के लिए।
तो यहाँ पे हमारे पास हेडलाइन है, इसको हम इस तरह से एडिट करेंगे और यहाँ पे प्रोफेशनली जो भी हमारी सर्विसेज हैं या जो जिन चीज़ें जो भी काम या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे, राइट, इस तरह से। और अपना यहाँ पे ओवरले रेट जो कुछ भी है वो यहाँ से ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो कि यहाँ पे देखें हमने बड़ी डिटेल से मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अपने अबाउट अपनी जो सर्विसेज और वर्किंग आवर्स के अबाउट सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे इसको जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी लिखनी है, अपने मुताबिक लिखनी है, अपने स्किल के मुताबिक लिखनी है। हाँ, आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको सिंपल सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वर्क हिस्ट्री, मैंने यहाँ पे वर्क काम किया हुआ है। तो आपने आपकी प्रोफाइल अभी फ्रेश है तो आप इसको इग्नोर कर दें। जब आपने प्रोजेक्ट करेंगे और वो बायर आपको रिव्यूज़ देंगे तो यहाँ पे आपके वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे पोर्टफोलियो। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे देखें मैंने एक पोर्टफोलियो सेट किया हुआ है कुछ इस तरह से। तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे माय पोर्टफोलियो, यहाँ पे उस प्रोजेक्ट की डिटेल देंगे। लेट्स सपोज आप बेसिक से डिटेल दे देंगे, मैंने एक वेबसाइट बनाई लेट्स से पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, यहाँ पे आप उसका डेट दे देंगे, कोई भी डेट दे सकते हैं आप। और सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट टेम्पलेट, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप ये क्लासिक वाली टेम्पलेट यूज़ करें अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, बाकी भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन क्लासिक सबसे अच्छी है। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना और यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के अबाउट थोड़ी सी डिटेल देनी है। अगर आप देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें ना दें। तो मैं सिंपल यहाँ पे पर्सनल पोर्टफोलियो फॉर अ वेबसाइट डेवलपर, मतलब मैं उस प्रोजेक्ट के अबाउट थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे उस प्रोजेक्ट की इमेज या जो है वो वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इमेजेस ऐड की हुई हैं, तो आप भी यहाँ पे सिंपल इमेज कोई भी है आपके पास वो आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये इमेज ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद हमारे पास ये है कि इस प्रोजेक्ट के रेलिवेंट, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कौन कौन से स्किल्स यूज़ की हैं, तो वो सारी स्किल्स हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। लेट्स से मैंने वेबसाइट, वर्डप्रेस थीम, पोर्टफोलियो वेबसाइट, प्लगइन और वर्डप्रेस, जो कुछ भी, और भी 15 स्किल तक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन इन स्किल्स के रेलिवेंट काम किया है। और उसके बाद आप प्रोजेक्ट यूआरएल देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें आप इसको लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो इमेज जो है वो सही से लगी नहीं, वो 4000x4000 इन साइज़ होनी चाहिए, ठीक है, ये साइज़ होना चाहिए। तो वो जो मैंने इमेज रैंडम से सिलेक्ट की थी वो इतनी नहीं थी, तो मैं इसको अभी नेक्स्ट कर देता हूँ। बट आपने ये इमेज लगानी है, मस्ट बी एट वन, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ कि कोई अच्छी सी इमेज यहाँ पे लग जाए हमारे पास। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई डमी इमेज यूज़ कर लेता हूँ, ये इमेज मैंने यूज़ कर ली। लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट की इमेज यूज़ करनी है, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से आ गए और उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट सिंपल इसको पब्लिश कर देना है। तो पब्लिश होने के बाद सेम इसी तरह से आपकी जो वो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से शो हो जाएगी आपकी प्रोफाइल पे, इस तरह से, राइट। तो इस तरह से आपने जितने चाहें पोर्टफोलियो वह ऐड करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है स्किल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 15 स्किल्स अपने जो स्किल है उसके रेलिवेंट यहाँ पे डालनी है। अब लेट्स सपोज आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्राफिक, ठीक है, और यहाँ पे आपको सजेशंस मिल जाएंगे, जो आपकी स्किल से रेलिवेंट होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अब मेरा ग्राफिक नहीं है, वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेबसाइट। देखें वेबसाइट एसेट, वेबसाइट बैकअप, वेबसाइट बिल्डर, वेबसाइट रीडिज़ाइन, तो जो जो भी मुझे सिलेक्ट करनी होगी वो मैं मोस्ट रेलिवेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने मोस्ट रेलिवेंट स्किल्स यहाँ पे सिलेक्ट की होंगी। उसके बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन है योर प्रोजेक्ट कैटलॉग, इसको आगे चल के हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, इसको अभी आप भूल जाएं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है, अगर मैं नीचे आऊँ तो टेस्टिमोनियल्स, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेशंस, आप ऐड मैनुअली यहाँ पे सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेशंस हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ आके ऐड कस्टम सर्टिफिकेट, और कस्टम सर्टिफिकेट ऐड करने के बाद यहाँ पे आप उस सर्टिफिकेट के अबाउट लिखेंगे। लेट्स सपोज आपने कहीं पे काम किया लेकिन आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसके अबाउट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन टेम्पलेट मॉन्स्टर की तरफ से मुझे 2019 के अंदर मिला था, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया उसके अबाउट सारी चीज़ें, और मैंने वो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड कर दिया। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है,
और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, तब तक हम अगले ऑप्शंस देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर यहाँ पे देखें ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो मैंने यहाँ पे अपने जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, किस किस तरह से काम किया, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। ये दो जगहों पे मैंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया था, तो ये मैंने मेंशन कर दी। और उसके बाद अदर एक्सपीरियंसेस के अंदर भी मेरा एक अदर एक्सपीरियंस था, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। तो ये सारी ऑप्शन, तो ये थी हमारी बेसिक सी प्रोफाइल की सेटिंग, इस राइट साइड वाले हिस्से की सेटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, इसकी भी हमने सेटिंग करनी है। मैं इसको रीलोड कर देता हूँ एक बार, मे बी ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें वो आपने ऐड करनी है, वीडियो इंट्रोडक्शन, आप अपना एक वीडियो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि एक वीडियो बना के उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपने अपलोड करनी, और उसका लिंक यहाँ पे सिंपल आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ दिस वीडियो, विजुअल सैंपल ऑफ माय वर्क, टॉकिंग अबाउट माय स्किल, कोई भी अपना जिस तरह के भी आप वीडियो बनाना चाहें वो यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कितने आवर्स काम करेंगे पर वीक, ये मोर देन 30 आवर्स, यही आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं, यहाँ पे आप और लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ उर्दू, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मैं नेटिव हूँ उर्दू का। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन इसको छोड़ दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं जब हम प्रोफाइल बना रहे थे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिक सी ऑप्शंस थी। यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, अवेलेबल नाउ, तो इसको मैं आगे चलकर डिस्कस करूँगा डिटेल के अंदर। तो आई होप आपको समझ आई हो कि प्रोफाइल की सेटिंग किस तरह से करनी है। अभी कुछ और सेटिंग्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और जो रिमेनिंग सेटिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।